देखो रेमेडीज लिखा है और फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर दो पार्टीज हैं और उन दोनों में से कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर रही है या अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं वो रिफ्यूज कर रही है कंप्लीट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और किस कितने टाइप का ब्रीच होगा और उसके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है, रेमेडीज समझते हैं आप लोग, सॉल्यूशंस, रेमेडीज यस मैम। सॉल्यूशंस यहाँ पे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज पढ़ेंगे। देखो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय अ पार्टी देर आर सेवरल कोर्स ऑफ एक्शंस, मतलब रेमेडीज विच द अदर पार्टी मे परस्यू। अगर कोई पार्टी, फर्स्ट पार्टी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे रही है तो सेकेंड पार्टी के पास क्या ऑप्शंस अब अवेलेबल रहेंगे, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, उसमें पहली रेमेडी में दिखा रहा है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन मीन्स कैंसिल कर देना। तो सेकेंड पार्टी के पास अब ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट देखो क्या कर सकती है, वो सूट फॉर डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए वो केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्टिकुलर काम हुआ है उस पर्टिकुलर या उस पर्टिकुलर काम में जो हार्म हुआ है उसके लिए सूट फॉर इंजेक्शन और सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। इन सब का मीनिंग जब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। ये रेमेडीज के नाम है, पहली रेमेडी है रेसिशन, रेसिशन मीन्स कैंसलेशन। नेक्स्ट देखो इसमें, देखो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फॉर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। देखो इसमें और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी कंप्लीट, वो मतलब बिल्कुल भी क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना चाहता है, द प्रोमिसिंग में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ रेसिशन। नेक्स्ट देखो इट मीन्स सेटिंग असाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन सच अ केस एग्रीव्ड पार्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब है यहाँ पे जो पार्टी जिसको सफर करना पड़ रहा है वो अब ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी सारे ऑब्लिगेशन से। सपोज एग्जाम्पल दिया है, अगर ए प्रोमिस करता है कि वो सप्लाई करेगा फर्नीचर बी के न्यू ऑफिस पे ऑन अ सर्टेन डे, बी प्रोमिस टू पे फॉर द फर्नीचर। अब देखो जब ए सप्लाई नहीं करेगा तो बी अब उसको पैसे पे करेगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग द प्राइस एंड कैन रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट। Thus, in above example, B shall not be entitled to receive the contract, but also to claim compensation for the damage. देखो rescission का एक option तो available है इसके पास, second option ये है कि वो claim कर सकता है for the compensation. Next देखो, suit for damages. ये दूसरी remedy. पहली वाली remedy में क्या बोल रहा था, contract cancel कर सकते हैं, अब second remedy में ये क्या बोल रहा है कि आप damages के लिए suit कर सकते हैं, मतलब आप केस कर सकते हैं सामने वाले के ऊपर, सूट फॉर द डैमेजेस। नेक्स्ट देखो, इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीव्ड पार्टी बिसाइड्स रिसाइंडिंग, मतलब कैंसिल करने के अलावा वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कर सकते हैं फॉर द डैमेजेस। डैमेजेस क्या है, हम इसमें अलाउड है कि हम सामने वाले किसी, सपोज किसी पर्टिकुलर फिजिकल चीज का किसी का लॉस हुआ है तो उसको भी हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं, बट हम साथ साथ में क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी कंपनसेशन भी अलाउड होता है फॉर लॉस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट है, देखो सूट मतलब कोर्ट में केस करना, तो जो कोर्ट का इसमें अब मेन रोल होता है, अब उसका क्या ऑब्जेक्ट है, अवॉर्ड करना फॉर ब्रीच, इज दैट द एग्रीव्ड पार्टी मे बी पुट इन द फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच वुड हैव एग्जिस्टेड हैड देयर बीन नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन का मतलब होता है
डैमेजेस के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन कोर्ट इसलिए पे करवाती है कि क्या पता आपकी वजह से सामने वाले को इतना लॉस हुआ है जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो चुकी हो, तो इसलिए उसको फाइनेंशियली मतलब अवॉर्ड करवाती है डैमेजेस के लिए. आगे देखो, द लॉ डज नॉट पनिश अ पार्टी बिकॉज ही हैज ब्रोकन अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने से ठीक कभी भी जो कोर्ट है वो पनिश नहीं करती है, मतलब कोई फाइन, मतलब उनको फाइन दिलवाती है बट उसके लिए उनको जैसे जेल वगैरह में जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन अगर आपका जो जो दूसरी पार्टी है अगर उसको कभी मॉनेटरी लॉस हुआ है तो कोर्ट आपको कंपेल करेगी कि आप उसको मॉनेटरी लॉस को कॉम्पनसेट करें बाय द वे ऑफ मनी. देखो, ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवरेबल, स्पेशल डैमेजेस भी रिकवरेबल होते हैं. ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज के बीच का डिफरेंस क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेज में जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से सामने वाले को वो चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली लेनी पड़ रही है, किसी और से वो हो जाएगा. स्पेशल डैमेज में क्या होगा? जब किसी सामने वाली पार्टी को लॉस ऑफ इनकम हो या फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट हो तो वो हो जाएगा स्पेशल डैमेज. अब ये जो एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज लिखा है इसकी मीनिंग बताइए मेरे को. विंडिक्टिव की मीनिंग बताओ बस. बताओ विंडिक्टिव डैमेजेस क्या हो सकते हैं? एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को चेक दे रही है, चेक डिसऑनर हो रहा है मतलब बाउंस हो जा रहा है, तो सामने वाले का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, उसका चेक का अमाउंट नहीं मिला, तो ये हो जाएगा विंडिक्टिव डैमेज. सपोज एक और एग्जांपल, अगर ए प्रॉमिस करता है बी से कि वो उसके साथ प्रॉमिस टू मैरी हर, बट उसने क्या किया? ब्रिज कर दिया, उसने उसे मैरिज नहीं की, तो क्या हुआ? इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स. तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें सामने वाले की इमेज या क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है, ठीक है, मतलब सामने वाले के एक्शंस की वजह से आप कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले को लॉस हो रहा है, वो हो जाते हैं एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव. नेक्स्ट देखो, नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल क्या होता है? मतलब जो डैमेज हो रहा है ना वो बहुत स्मॉल अमाउंट का है, उसमें कोई हायर अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस. ठीक, इसमें जो लॉस होता है वो जो पार्टी है जिसको लॉस हो रहा है वो शायद बियर कर सकती है इसमें, और जो लॉस होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, मतलब कोर्ट उसको अवॉइड कर देती है ऐसे लॉस को, क्योंकि सामने वाले की भी कुछ रीजंस होते हैं, मतलब जबरदस्ती वो ब्रीच नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. फिर देखो, डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय द डिले. डिले की वजह से सामने वाले को जो हार्म हो रहा है. नेक्स्ट है देखो, इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट की वजह से जो डैमेजेस होते हैं. लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी. और देखो, ये जो इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट वाला होता है ये इसको फिजिकल इनकन्वीनियंस में डाल सकते हैं. ये वाले 6 पॉइंट को लिख लो आप लोग, फिजिकल इनकन्वीनियंस में आप इसको डाल सकते हो. अगर आपका नॉमिनल है तो सेम वही इसके जैसे एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आपको लार्ज इनकन्वीनियंस हुआ है या डिस्कम्फर्ट हुआ है तो उसको आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? जैसे सपोज आपको किसी से कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है, जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे सपोज आपने किसी को लोन पे अमाउंट दिया है, आप उससे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेके आप उसे सिर्फ इंटरेस्ट लेते रहते हैं, और आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है कि सामने वाला पे नहीं कर पा रहा है, आपने कोर्ट में केस कर दिया, तो आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है आपने उसे ज़्यादा नहीं चार्ज किया है. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को
लिमिटेड कर दिया है जब अपन बैंक वगैरह से लेते हैं, लेकिन जब अपन नॉर्मल किसी से लेते हैं मर्चेंट से या ट्रेडर से, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, तो वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ है ना उसमें वो क्या हो जाता है, इलीगल होता है। तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो सामने वाले से इंटरेस्ट ले रहे हैं वो ज्यादा नहीं लेते हैं, नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है, मतलब उल्टा केस आपके ऊपर हो जाएगा। फिर देखो इंटरेस्ट वाला वही आएगा इसमें जो मैंने बताया था, सेम है। नेक्स्ट और क्या बचा आपका इसमें, देखो मेंटल पेन एंड सफरिंग भी हो सकता है इसमें, अगर मेंटली आपको टॉर्चर किया जाता है तो इसको ऑर्डिनरी रिकवर नहीं किया जा सकता है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो मैम मैंने, हाँ बोलो। मैम ऑर्डिनरी और नॉमिनल में क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी में और नॉमिनल क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है बेटा। सपोज इसका एक एग्जांपल देखो, सपोज मैंने आपको बोला कि ए ने 5,000 रुपीज का ऑर्डर दिया था, प्लास्टिक चेयर्स उसको लेनी थी, ठीक। अब उसको सप्लाई नहीं हुई, कब चाहिए था उसको, सपोज 5th of January को चाहिए थी उसको उसी दिन। ए को बी ने उस दिन सप्लाई नहीं किया, ए क्या किया मार्केट गया और 6,000 रुपये में वो लेके आया, ये था ऑर्डिनरी डैमेज, क्योंकि उसको चाहिए था 5 तारीख को। अब क्या करेगा, लेके आना पड़ेगा। नॉमिनल डैमेज देखो, 5,000 की चीज थी सपोज प्लास्टिक चेयर्स वगैरह है ना, सेम मार्केट गया ए लेके आया उसको कितने में, 5,100 में समथिंग, या सपोज 5,000 में ही लेके आया, तो लॉस कितने का हुआ उसको, 100 रुपीज का। तो वो लॉस जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है तो वो होता है नॉमिनल, लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी उसको डैमेज 1,000 का हुआ है, तो अमाउंट से डिफरेंस पता चलता है, ज्यादा डिफरेंस है अमाउंट में तो वो ऑर्डिनरी, और बिल्कुल नहीं के बराबर है तो वो हो जाता है नॉमिनल। तो ऐसे केसेस कोई जाता भी नहीं है कोर्ट में, और अगर कोई जाएगा तो जो कोर्ट है उसको कंसिडर नहीं करके ऐसे ही रिजेक्ट कर देती है। मैम तो ऑर्डिनरी वाला डिले जैसा ही है, क्या मतलब, डिले ही तो है इसमें, यस मैम। पॉइंट नंबर 5 और ऑर्डिनरी सेम है। बेटा आप कंपेयर क्यों कर रहे हो चीजों को, इसको इससे कंपेयर मत करो ना। देखो डैमेजेस एग्जांपल्स, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके चलूंगी है ना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिचुएशंस अलग होती हैं। सपोज डैमेजेस फॉर डिटेरेशन कॉज्ड बाय डिले, दूसरा एग्जाम्पल ले लो प्लास्टिक चेयर्स के अलावा, अगर किसी के डिले की वजह से सामने वाले को डिटेरेशन हो रहा है, सपोज इसका डिटेरेशन का मतलब बताओ डिटेरेशन का बताओ, लॉस अरे लॉस तो है लेकिन व्हाट टाइप ऑफ लॉस, देखो डेटेरियोरेशन का मतलब होता है एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में लॉस होना, मतलब वो सिचुएशन और वर्स्ट होते जाना। देखो ये जो टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं, ठीक है, पहले तो उसमें आप लोग एक चीज क्लियर करो कि ये और ये एक दूसरे से अलग नहीं है। देखो क्या होता है, कभी कभी एक डैमेज है या जो लॉस हो रहा है उसमें ऑर्डिनरी भी हो सकता है या वो स्पेशल भी हो सकता है, उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये सिर्फ टाइप्स को आपको बता रहे हैं कि इस टाइप के डैमेजेस हो सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में किसी को कोई डैमेज हो रहा है तो उसमें ये तीन चार चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डिनरी है तो वो नॉमिनल नहीं होगा, दोनों सेम भी हो सकता है उस लॉस की सिचुएशन पे, उसको ऑर्डिनरी भी हुआ होगा और उसको नॉमिनल भी हुआ होगा, वो तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको कैसे कंसिडर कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि उनके बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है तो वो गलत है,
ये सिचुएशनल है, ये जो डैमेजेस है बेटा ये सिचुएशनल है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरा वहां पे आप कौन सी कंडीशन पे हैं वो डिसाइड करेगा। जैसे आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे, अगर किसी के ऊपर कोई केस लगाना है तो उसके ऊपर 3 से 4 केस लगते जाते हैं, ठीक है, फ्रॉड का, चोरी का, दुनिया भर का जो भी, तो एक ही पर्सन के ऊपर इतने सारे केस। सेम वैसे ही जब हमारे ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज का केस लगेगा या स्पेशल डैमेज का, ये 8 के 8 भी लग सकते हैं उसके ऊपर या इनमें से कोई 2 भी लग सकते हैं। तो इसमें इनके बीच का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशनल है। सपोज अब ये देखो, डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था अभी, कौन सा एग्जांपल दिया था अभी मैंने आपको, ये स्पेशल डैमेज बताया था मैंने आपको, इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि उसको वेडिंग सीजन में उसको जनरेटर लगाना ही रहता है बट वो जो रिपेयरमैन है उसको वो ठीक करके नहीं दे रहा है, ठीक है, ये वाला बताया था मैंने आपको। अब देखो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं इसमें कंटिन्यू करती हूँ, सेम इस डिले वाले में, वो जो रिपेयरमैन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने बोला था मैं आपको 4 डेज में इसको रिपेयर करके दूंगा, ठीक। अब देखो वो नहीं करके दे रहा है उसको ठीक, तो मैंने क्या बोला आपको कि उसको 200 रुपीज का डेली इनकम ऑफ लॉस हो रहा है डेली का, तो ये तो स्पेशल टाइप का हो गया क्योंकि इसको क्या है लॉस ऑफ इनकम हो रहा है। अब इसमें एक चीज और एप्लीकेबल होगी, देखो इसका सामने वाले का कमिटमेंट भी होगा ना कि एग्जिट 5वें दिन में मैं आपके यहाँ पे जनरेटर डालूंगा, तो ऐसे करके इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए होंगे 2-3 जगह से, 7th जगह पे, 8वीं जगह से, बैक टू बैक 3-4 दिन का। तो जब इसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, यहाँ पे देखो इनकम लॉस तो रहा है, प्लस क्या हो रहा है इसका जो इमेज है वो भी तो डाउन हो रहा है ना, कि इसने बोला था कि ये इस तारीख से वहां पे देगा बट एंड मोमेंट पे ये अपने कमिटमेंट से तो पीछे हट गया क्योंकि उसको वो रिपेयर होके मिला नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, डिले की वजह से वो उसको क्या मिल रहा है, डिटेरियोरेशन मिल रहा है, उसकी इमेज डैमेज हो रही है डे बाय डे। मतलब लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये जो बोलता है वो कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो नेक्स्ट टाइम से मे बी इसको वो लोग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे जनरेटर लगाने का। तो देखो एक ही सिचुएशन में 2 टाइप का डैमेज एप्लीकेबल हो गया, एक स्पेशल टाइप वाला और एक ही 5th वाला, क्योंकि यहाँ पे उसको डिले की वजह से उसका इमेज भी तो डाउन हो रहा है। आया समझ में? Yes, ma'am. तो देखो इसको एक दूसरे से कंपेयर मत करो, एक ही सिचुएशन पे आ सकता है बट ये सामने वाले के ऊपर है कि वो कौन कौन से डैमेजेस सामने वाले के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहता है। किसी के लिए नॉमिनल है, देखो अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी लिखा 1000 रुपीज है ना, ये डिफरेंस सामने वाले के लिए वो जो डैमेज है 1000 वो नॉमिनल भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट देखो, ये देखो जो ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है, द मेजर ऑफ ये देखो जो मेजर है उसको कैसे नापना है, ऑर्डिनरी डैमेज को डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ये मैंने आपको माइनस करके बताया था, तो ये होता है ऑर्डिनरी डैमेज। नेक्स्ट देखो, ये देखो अगर 100 bags ऑफ राइस 100 rupees पर बैग पे उसको फ्यूचर डेट पे मिलना था, ठीक है, और मार्केट प्राइस उस दिन का कितना है 110, तो ये 10 rupees क्या है उसके लिए ऑर्डिनरी डैमेज। अब यही 10 rupees सामने वाले के लिए नॉमिनल भी तो हो सकता है। अब देखो स्पेशल डैमेज एग्जाम्पल पढ़ते हैं सिर्फ, मीनिंग नहीं। ए जो कि बिल्डर है एग्री करता है कि वो उसको 1st January तक करके देगा, ठीक है, बी मे गिव पोजिशन ऑफ एट टाइम टू सी टू हुम बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट, कि वो ए ने कॉन्ट्रैक्ट ए बिल्डर है वो बी का मकान बनवाने वाला था और बी ने भी कमिटमेंट कर दिया था सी को कि वो उसको किराए पे देगा। ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी, ए बिल्ड्स द हाउस सो बैडली दैट इट फॉल्स डाउन बिफोर, देखो इसको रीड करो आप लोग एग्जाम्पल को। बी है वो सी को रेंट देने वाला था, रेंट पे देने वाला था तो 1 January से पहले ही वो घर टूट के गिर गया, हाँ,
और बीच को फिर से बनाना पड़ा, तो उन लोग के बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी, मतलब बी और सी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी टूटा, तो उसको कंपनसेट करना पड़ा बी को, और बी को लॉस भी हुआ वो रेंट का। हाँ उसको भी, हाँ तो उसको वो भी कॉम्पनसेशन क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है, रेंट लॉस का। ए को कंपनसेशन करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस प्लस फॉर द रेंट लॉस्ट। बी ए को रेंट का भी तो लॉस्ट हुआ ना, जो उसको सी से मिलने वाला था, समझ में आ रहा है? तो पूरा का पूरा जो भी लॉस है सब ऐड हो गया इसमें। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पलरी और ये वाला देखो, ये मैंने एक मैरी वाला बताया था और ये चेक बाउंस वाला बताया था, देखा? समझ में आ रहा है? वॉइस आ रहा है आप लोगों को मेरा? यस मैम। अब देखो ये नॉमिनल डैमेज, देखो nominal damages are awarded in case of breach of contract when there is only a technical violation of the legal right but no substantial loss is caused thereby। ye bahut 1 rupaye ka loss ya 2 rupaye ke loss ko dekho isne liya nominal mein bas। dekho damages for deterioration caused by delay, in case of deterioration caused to goods by delay damages can be recovered from carrier even without notice। ये देखो physical damage but also loss of special opportunity for sale है। liquidated damages, interest वाला मैंने बताया था, ये देखो if the court finds that the rate is exorbitant and is penal in character it may grant some रिलीफ। ये ज्यादा वाला था। लिक्विडेटेड डैमेजेस देखो, समटाइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ डैमेजेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली एग्री टू स्टिपुलेट और स्पेसिफाइड सम व्हिच विल बिकम पेबल बाय द पार्टी गिल्टी ऑफ ब्रीच इफ द स्पेसिफाइड सम रिप्रेजेंट्स अ फेयर एंड जेन्युइन, दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। कभी कभी पार्टी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही म्यूचुअली डिसाइड कर लेती है कि अगर ये हुआ मेरी तरफ से तो मैं आपको इतना उस समय पे कर दूंगा, एक फिक्स सम ये लोग क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं उस लिक्विडेटेड डैमेज के लिए। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये थर्ड टाइप है ना इसका, देखो ये देखो फर्स्ट क्या था, रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिर सेकंड सूट फॉर डैमेज, जो डैमेज के इतने सारे पार्ट्स के। अब नेक्स्ट देखो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये थर्ड टाइप ना। क्या क्या दिया देखो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, इन सर्टेन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडिक्वेट रेमेडी, द एग्रीव्ड पार्टी मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी कंपनसेशन, द कोर्ट मे इन सच केसेस डायरेक्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रोमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ केसेस में क्या होता है, सामने वाली पार्टी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है मॉनेटरी कंपनसेशन में, वो कहती है मुझे मेरा काम चाहिए बस, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोर्ट ये बोलेगी कि आपको अपना काम कंप्लीट करके ही देना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए एग्रीड टू सेल एन ओल्ड पेंटिंग टू बी फॉर रुपीज 10,000, सब्सिक्वेंटली ए रिफ्यूज कर देता है उस ओल्ड पेंटिंग को सेल करने से, तो बी केस फाइल कर सकता है और उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं कि आपको मुझे ही सेल करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सिचुएशंस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को हम
अलाउ नहीं कर सकते हैं. जैसे पहला, व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ, अगर पैसे से भरपाई हो जा रही है तो जबरदस्ती सामने वाला जब काम नहीं करना चाहता है तो क्यों करवाना उससे. नेक्स्ट देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्सनल नेचर का है, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट अ पिक्चर, ठीक है, तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंजेक्शन इज ग्रांटेड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. देखो, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अ कंपनी बियॉन्ड इट पावर्स. नेक्स्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनइक्विटेबल या वन ऑफ द पार्टीज इज अ माइनर. तो ये सारी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से कोर्ट बोल सकती है कि जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं. ये रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मना भी कर सकती है, सॉरी, कोर्ट मना भी कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पैसे लो और निकलो करके, अगर सामने वाला नहीं करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है. देखो, और ये जो लिखा है ना, इंजेक्शन, इंजेक्शन एक टाइप है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे. इंजेक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट का एक ऑफिशियल ऑर्डर आना, फिर उसमें वो काम करने के लिए भी बोल सकते हैं और नहीं करने के लिए भी बोल सकते हैं. दोनों कंडीशन हो सकती है, हाँ भी और नहीं भी. स्पेशल ऑर्डर होता है और उसको मानना पड़ता है. इंजेक्शन एक अलग से टाइप पढ़ेंगे आप लोग. देखो, ये देखो, सूट फॉर इंजेक्शन, वेयर अ पार्टी जब वो ब्रीच करती है ना नेगेटिव टर्म्स, वेयर ही डज समथिंग व्हिच ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, कुछ ऐसा करती है जब उसको नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी और उसको मना करेगी वो काम करने से. तो ऐसे जो ऑर्डर इशू होते हैं कोर्ट से, उसको बोलते हैं इंजेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया अभी, जी एग्रीड टू बाय द होल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हिज हाउस फ्रॉम अ सर्टेन कंपनी. ठीक, तो जी किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से वो ले रही है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है ना. अब कोर्ट मना कर रही है आपको उससे नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो उनके रीजंस हो सकते हैं. एग्जाम्पल ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया. अब देखो, सूट अपॉन क्वांटम मैरियट. देखो, मैरियट क्या होता है, क्वांटम मैरियट मींस एज मच एज इज मैरिटेड, जितना भी अर्न किया है उस पे केस. द नॉर्मल रूल ऑफ लॉ इज दैट अंटिल द पार्टी इज परफॉर्म द प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, ही कैनॉट क्लेम परफॉर्मेंस. ठीक, जो इसका मतलब समझो कि अगर किसी पार्टी ने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन किसी ने थोड़ा सा ही काम किया है तब क्या करेंगे. ठीक है, ये सिचुएशन मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया ऑलमोस्ट.